औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे चैनल के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मौत की सज़ा एक तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन नाज़रीन कराम ये एक जिंदा हकीकत है जो कि किसी संगीन जुर्म करने वालों के इर्तकाब करने वालों को दी जाती है। नाज़रीन कराम, आपने फिल्मों, ड्रामों या फिर हकीकत में भी देखा होगा कि जब जज साहिबान किसी मुलजिम को सज़ा देते हैं और जब मौत के परवाने पर सज़ा लिखते हैं तो अपने पेन के निब को तोड़ देते हैं। पेन की निब को तोड़ने के पीछे क्या मसलियत है, आइए आज इसके ऊपर बात करते हैं। अदालतों में बरतानवी राज से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला आज तक जारी है, और इस पेन की निब तोड़ने के पीछे कई वजूहात हैं। एक वजह तो नाज़रीन कराम ये है कि जो पेन किसी के ज़िंदगी का ख़ात्मा करे वो पेन किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि जज जब किसी मुलजिम को मौत की सज़ा सुना दे तो फौरी तौर पर किसी रिएक्शन की सूरत में वो अपने फ़ैसले को बदल ना सके, इसलिए भी पेन की निब तोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर अपने फ़ैसले को मनसूख ना कर सके। सज़ाए मौत खुद एक बहुत दर्दनाक सज़ा है, इसलिए जज जब ये किसी मुलजिम को सुनाता है तो नाज़रीन कराम उस वक्त जज दुख और अफसोस का इजहार करते हुए भी पेन की निब को तोड़ देता है। दोस्तों, पेन की निब तोड़ने की एक वजह ये भी है कि जज इस खूनी पेन से दूर रह सके और कभी अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि उसने फ़ैसला कानून के मुताबिक किया होता है। दोस्तों, हमारी मालूमात के मुताबिक ये चंद वजूहात हैं जिसके बिना पर जज अपने पेन की निब को तोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको कोई और वजह मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने और अपने दोस्तों की नॉलेज में इजाफा कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपने फ़ैसले कुरान और हदीस के मुताबिक कर सकें।